बिकॉज गाइज मारुति सुजुकी की कार्स गाइज काफी ज्यादा सेफ होती है जैसा आपको पता ही है, और उनके बिल्ड क्वालिटी के टक्कर की कोई भी कार नहीं आती आज की डेट में, उनकी बिल्ड क्वालिटी लाजवाब है। तो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा गाइज आपको कुछ छोटे छोटे चीजें Hyundai Venue की एस वेरिएंट की, जो कि काफी अच्छी लगती है मुझे और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है वो चीजें। कुछ लोगों के लिए काफी छोटी चीजें नॉर्मल चीजें हो सकती है गाइज वो, बट फिर भी मैं कुछ वो चीजें शेयर करने वाला हूँ आपसे, तो वीडियो का एंड तक देखना गाइज। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मुझे Hyundai Venue S की काफी अच्छी लगती है वो ये है कि इसे ड्राइवर साइड विंडो अप और डाउन करने का ऑटोमेटिक बटन मिलता है, जैसा आप देख सकते हैं। अगर अभी विंडो अप है और मैं अगर इसे थोड़ा ज्यादा जोर से प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, और सेम वे आप अगर इसे थोड़ा प्रेस करोगे ऐसे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। होप गाइस ये पर्टिकुलर फीचर सारे विंडोज के लिए होता तो काफी अच्छा होता, बट स्टिल जो भी है वो अच्छा है। तो हम ड्राइवर डोर की बात कर ही रहे हैं गाइस, तो एक चीज मैं और बता दूं आपको कि आपको यहाँ पे तो बटन मिलते हैं डोर अनलॉक और लॉक करने के, बट स्टिल अगर यहाँ से अगर मान के चलो आपका ये अनलॉक है और आप अगर इसे लॉक करते हो ड्राइवर साइड के डोर से, तो चारों डोर लॉक हो जाते हैं, और सेम वे आपका अगर अनलॉक करते हो तो चारों डोर अनलॉक हो जाते हैं। तो ये एक काफी अच्छा फीचर लगा मुझे, आपको बटन के साथ साथ यहाँ भी ऑप्शन मिलता है। गाइज Hyundai Venue की एक स्टार्टिंग से मुझे चीज काफी पसंद आई गाइज इस गाड़ी की, वो ये है कि इसका कैबिन नॉइज काफी ज्यादा अच्छा है। तो लिटरली गाड़ी स्टार्ट है या फिर बंद है वो समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ गाइज, तो आप देख सकते हैं गाइज कार भी स्टार्ट है और कार में बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि ये कार स्टार्ट है। अभी तो फिलहाल जब स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ बाबा कार स्टार्ट हो गई है। पहले जब ये कार मैंने नई ली थी तभी बिल्कुल भी स्टार्ट करने पे आवाज नहीं आती थी और बंद करने पे भी नहीं आती थी। गाइज आवाज के साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं गाइज आपको, काफी अच्छा हॉर्न आपको देखने को मिलता है Hyundai Venue S वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट का मुझे पता नहीं कैसे आपको हॉर्न मिलते हैं, वो उसमें शायद मतलब थोड़ा कम आवाज वाला हॉर्न मिलता है, वो टू व्हीलर वाला आवाज आता है, बट इसमें काफी ज्यादा लाउड हॉर्न मिलता है गाइज आपको, जो कि काफी अच्छा है इंडियन रोड्स के लिए, बिकॉज काफी ज्यादा छपरी देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन रोड्स में आपको। गाइज एक और चीज मुझे काफी अच्छी लगती है वो ये कि इसमें कोल्ड ग्लोवर्स देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा फीचर है गाइज गर्मियों के दिनों में। अगर आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक घर में ले जा रहे हो तो वो घर पहुंचते पहुंचते गर्म नहीं होती है अगर वहां रख दो तो, मतलब हो जाती है बट इतना नहीं होती है। गाइज कोल्ड ग्लोबॉक्स के साइड में आपको इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, इतना अच्छा मतलब अपीयरेंस वाइज मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइज, मुझे पता है काफी ओल्ड स्टाइल दिखता है ये, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है और साउंड क्वालिटी है वो काफी पसंद आई मुझे गाइज। इस कार की एक और चीज मुझे पसंद आई गाइज वो ये है कि इस कार की कैबिन विजिबिलिटी काफी अच्छी है। आई कैन लिटरली सी द फ्रंट बम्पर ऑफ दिस कार व्हाइल ड्राइविंग, तो एक काफी कॉन्फिडेंट फीलिंग मिलती है गाइज आपको जब कार ड्राइव करते हो तो। एक और चीज गाइज इस कार की मुझे काफी अच्छी लगी वो ये है कि जो सामने की जो दो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं। पीछे की मैं नहीं बता सकता गाइज आपको, वो डिपेंड करते हैं कि आपका क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या साइज है, उस पर डिपेंड करेगी, बट जो फ्रंट सीट्स है गाइज वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ऐसा मुझे लगता है। और गाइज इसमें आपको काफी सारे एसी वेंट देखने को मिलते हैं, ये एक हो गया, दो हो गए, तीन, चार, पांच, छह, और ऑब्वियसली आपको नीचे दो वेंट देखने को मिलते हैं एसी के, और इसके अलावा आपको रियर एसी वेंट देखने को मिलता है गाइज, जो कि काफी अच्छी चीज है गाइज। हालांकि गाइज आपको उसमें एसी का डिफरेंट यूनिट नहीं बैठाया गया है, मतलब जो सेम जो फैन स्पीड है वही वहां पे जाती है, बट एटलीस्ट वहां पे एक एसी वेंट होने की वजह से पीछे जो लोग बैठते हैं उनको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एक और चीज मैं बता दूं गाइज आपको, इसमें चार्जिंग की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको, मतलब चार्जिंग पोर्ट की कमी नहीं देखने को मिलेगी। ये एक पोर्ट हो गया आपका, यहाँ पे यूएसबी लगाने का पोर्ट है, मतलब पेन ड्राइव लगाने का पोर्ट है, चाहे तो आप यहां से भी मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं अगर इतना अर्जेंट है तो। यहां पे आपको डमी पॉइंट देखने को मिलेगा, तो यहां पे भी आप एक चार्जिंग लगा सकते हैं सॉकेट, और पीछे भी आपको एक चार्जिंग का आउटलेट देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप एक चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं मोबाइल, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो गाइज इतने सारे अच्छे फुल ऑफ फीचर्स कैबिन के साथ साथ आपको बूट में एक लाइट देखने को मिलती है, वो काफी यूजफुल हो जाती है गाइज अगर आपको रात को बूट खोलना पड़ा तो। उसमें गाइज इट इज वेरी यूजफुल, पता है मुझे काफी छोटी चीज है गाइज वो, बट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है कभी कभी आपको। तो म्यूजिक सिस्टम के बारे में एक चीज मैं बताना भूल गया गाइज आपको, कि आपको इसमें स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो वैसे ही आपका मतलब जो वॉल्यूम है म्यूजिक का वो भी इंक्रीज होगा, और अगर आपकी स्पीड कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा, तो वो एक काफी अच्छा फीचर लगा गाइज मुझे इस कार का। हालांकि गाइज ये छोटे छोटे फीचर्स इतने नोटिसेबल नहीं होते हैं, बट हाँ गाइज मिलते हैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, और काफी अच्छा लगा मुझे ये फीचर।
तो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ अब आती है गाइज, वो ये है कि इसकी फिट एंड फिनिश आप देख ही सकते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी गाइज Hyundai ने इसकी फिट एंड फिनिश में। तो गाइज फिट एंड फिनिश के साथ साथ इस कार की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है गाइज, मैं बता रहा हूँ आपको, इंटीरियर से और एक्सटीरियर से भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी गाइज बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो आप देख सकते हैं गाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक देखने को मिलता है गाइज आपको, अगर आप प्रेस भी करोगे तो ये नॉर्मली दबता नहीं है। गाइज ऐसे बहुत सारे कार्स हैं मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा कि जो एसी बैंड के जो प्लास्टिक होते हैं ये तक बैंड होते हैं, तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक यूज़ किया है इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइज। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा भी प्रेस नहीं होगा ये नॉर्मली। तो गाइस एक और चीज मैं बता दूं गाइस, रिजिड बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपको Hyundai Venue S वेरिएंट की काफी स्मूथ गियर शिफ्टिंग देखने को मिलती है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है गाइस वो कमेंट करके जरूर बताना, बट मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्मूथ है गियर शिफ्टिंग। गाइस Hyundai Venue में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो कि काफी यूजफुल है गाइस, एटलीस्ट वीडियो बनाने के लिए काफी यूजफुल होता है मुझे, बट अच्छा है गाइज, अच्छा फीचर है गाइज, आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है एक डिसेंट सा, और अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगी, जैसा आप देख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं गाइज आप, कार्ड होल्डर एंड ऑल। गाइज मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे स्पेस के मामले में आपको कोई कमी नहीं मिलती Hyundai Venue में। अब मैं गाइज स्पेस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आप ये कहोगे कि Hyundai Venue में रियर स्पेस काफ़ी कम मिलता है, बट ऐसा नहीं है गाइज, एक डिसेंट सा स्पेस आपको देखने को मिलता है। अगर आप 5'8" 5'9" हो तो भी आप काफ़ी आराम से बैठ सकते हो गाइज रियर सीट में। एक और चीज़ गाइज, मुझे Hyundai Venue का स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इसके रिस्पॉन्स की बात करें गाइज तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है रिस्पॉन्स, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग नहीं होता Hyundai का, बट मुझे अच्छा लगा गाइज। गाइज जैसा मैंने बोला आपको कि Hyundai ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है अपने बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, तो उसी पे गाइज मैं बताना चाहूँगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी और कॉन्फिडेंट फीलिंग देने वाले डोर मिलते हैं गाइज। गाइज बहुत सारे आपने कार देखे होंगी जिनके डोर एकदम घटिया प्लास्टिक से बने होते हैं गाइज, एटलीस्ट उतना घटिया प्लास्टिक नहीं है यूज़ किया है इन्होंने अपने डोर्स में, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा हैवी डोर आपको देखने को मिलता है। एक और चीज़ मैं बता दूँ और ये लास्ट चीज़ होने वाली है गाइज, काफ़ी सारी चीज़ें होगी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज कि ये जो पीछे की सीट आप देख रहे हैं वो 60-40 के रेशो में स्प्लिट हो जाती है, मतलब ये जो पूरा पीछे का सीट है वो आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, तो उससे ये होता है कि गाइज आप, तो गाइज उससे ये होता है कि बूट स्पेस आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे करने से, तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लगेज कैरी करना है आपके साथ तो आप इजीली कर पाते हैं। गाइज मैं एक लास्ट सजेशन आपको देना चाहूंगा, अगर आप Hyundai Venue लेने की सोच रहे हो तो जाओ बिंदास ले लो। मैं ये नहीं कह रहा गाइज कि यही पर्टिकुलर वेरिएंट आप लो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग कह सकते हैं कि बाबा ये अंडर पावर है, बट जो बिल्ड क्वालिटी और ये जो आपको देखने को मिलेगा फिट एंड फिनिश वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट में Hyundai Venue के। गाइज मैंने इसीलिए कहा कि आप Hyundai Venue ले लें क्योंकि मतलब सारी चीज़ें फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करती हैं गाइज, आपको बिल्ड क्वालिटी पे भी सोचना पड़ता है। मुझे पता है गाइज नेक्सोन की बिल्ड क्वालिटी और इको स्पोर्ट की बिल्ड क्वालिटी इससे कहीं बेहतर है, बट गाइज अगर आप मारुति से कंपेयर करोगे, ब्रेजा से कंपेयर करोगे, तो डेफिनेटली गाइज आपने Hyundai Venue ही चूज करनी चाहिए। I'll see you in the next one, guys. Bye-bye.